Hello everyone, welcome to the video where we are going to check important update on part 2 registration for centralized admission process and what is the round 1 notification by Maharashtra government and centralized admission procedure for Pune. So let's move ahead and check how to go ahead and what are the dates, important dates where we need to go for the registration and round 1 process. So students, this is the notification given by Education Department of Secondary and Higher Secondary Board Pune. And here for admission process, the schedule, that is complete timetable, is given. You are observing on the screen that from 12th August to 22nd August, so you are having choices of filling option form 2, and that is the same for zero round or quota admissions. But here I would like to tell you that from 12th August you can fill choice form, that is option form, for part 2 registration. So there what you need to do is you need to select college option whichever you would like to go, and accordingly there will be 10 preferences and you can go ahead for the colleges where you would like to go according with their college code. So here the notification is there for part 2 registration, that is option form filling. Now once you will complete with this, I will explain the same into Marathi and Hindi too. Jaise aap logo ka part 2 registration complete ho jata hai, but part 2 registration kya rahega, jo option form aapko fill karna hai, kaun se college mein aapko admission lena hai, uske liye hum log ye registration process karenge. So 12th August se leke 22nd August tak ये जो डेट सेट 10 डेज का ड्यूरेशन जो दिया गया है हमें, ये ड्यूरेशन में आपको कौन सा कॉलेज चाहिए उसके चॉइसेस के लिए आप फील करने वाले हो. देयर विल बी 10 ऑप्शन, 10 ऑप्शंस रहेंगे, आप 10 के 10 ऑप्शन फील कर सकते हो या फिर उसमें से कोई सिलेक्टिव और 3 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस, जैसे आपके कॉलेज के प्रेफरेंसेस है वैसे आप ऑप्शन फॉर्म फील कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन. नाउ 22nd को 11 बजे जो है वो रजिस्ट्रेशन ये क्लोज हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग जो है वो क्लोज हो जाएगा, एंड 23rd को आपका रेगुलर एडमिशन राउंड 1 प्रोसेस शुरू होगा. 23rd अगस्त 12 नून टू 25th अगस्त 2020. सो दिस विल बी फॉर द डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट. That is, आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, जो राउंड 1 में राउंड 2 के लिए आपने फॉर्म भरा था, सो हियर व्हाट एवर द ऑप्शंस यू हैव सिलेक्टेड, जो ऑप्शंस आप लोगों ने भरे हुए हैं कॉलेजेस के लिए, वो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है कि नहीं, उसके लिए राउंड 1 रहेगा. राउंड 1 में क्या क्या होने वाला है, सो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट, एक जनरल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा कि कौन से कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है राउंड 1 के लिए, बिकॉज आप सभी को पता है कि हर कॉलेज का कट ऑफ होता है, सो वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट कॉलेज और नॉट, दैट प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट यू विल गेट टू नो फ्रॉम 23rd. देन क्या होने वाला है 23rd से 25th तक, सो सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन और करेक्शन रिक्वेस्ट अगेंस्ट द जनरल मेरिट थ्रू ग्रीवियंस रिएड्रेस मॉड्यूल इन स्टूडेंट लॉग इन. सो इसके लिए वंस यू विल लॉग इन, यू विल मीन जिसके लिए एप्लीकेबल है ये, सो आप वहां जाके वो प्रोसेस कर सकते हो. ऑनलाइन रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्शन और करेक्शन रिक्वेस्ट, अगर कुछ गलती हो गए हैं आप लोगों ने पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस करना है, सो वो टाइम पे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इट विल गेट वेरीफाइड एंड इट विल गेट करेक्टेड ऑल्सो. देन ये हो गया पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन एंड राउंड 1 के अंदर में आपको अंडर राउंड 1 व्हाट यू शुड डू. बट फॉर अदर प्रोसेसेस लाइक वंस यू विल बी कंप्लीटिंग फ्रॉम 23rd टू 25th, नेक्स्ट क्या प्रोसीजर रहेगा आपका, कि आप लोगों ने जो राउंड 1 के लिए एलिजिबिलिटी चेक किया है वेदर दैट कॉलेज इज गेटिंग अलोकेटेड टू यू और नॉट, सो दैट रिजल्ट, दैट इज राउंड 1 का रिजल्ट जो मिलने वाला है वो आएगा 30 अगस्त को, दैट इज 30th अगस्त 2020. डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज एलोकेशन लिस्ट फॉर रेगुलर राउंड एडमिशन, यानी जो कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते थे उसको आपको मिला है कि नहीं, वो आपको वो भी पता चलेगा आपके स्टूडेंट लॉगिन में, और जो राउंड 1 के एलोकेशन लिस्ट है वो
डिस्प्ले की जाएगी सेम साइट पे, पुणे डॉट इलेवेंथ एडमिशन वाला जो साइट है उसी पे। देन डिस्प्ले ऑफ वॉलेटेड स्टूडेंट्स इन द कंसर्न कॉलेज, कॉलेज के लॉगिन में भी पता चलेगा, एसएमएस जाएंगे स्टूडेंट्स को, एंड डिस्प्ले ऑफ कट ऑफ लिस्ट फॉर फर्स्ट जनरल एडमिशन राउंड, और उसके बाद में क्या कट ऑफ के हिसाब से एलोकेशन हुए हैं वो आपको पता चलेगा। जैसे आपको 30 तारीख को अगर कॉलेज का एलोकेशन हो जाता है तो आप 31st से लेके 3rd of September तक, 31st अगस्त से लेके 3rd of September तक आपको एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना है। तो करना क्या है, सो यू नीड टू प्रोसीड फॉर एडमिशन, ऑनलाइन कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज बाय स्टूडेंट। सो और जैसे आपके लॉगिन में आप जाके चेक करोगे कि आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं, जैसे हम लोग 30 तारीख को चेक करेंगे, सो ऑन 31st यू कैन गिव द कंफर्मेशन दैट यस आई वुड लाइक टू टेक एडमिशन ओवर देयर, आपका कंसेंट जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी आप रिजेक्शन कर सकते हो, कैंसिलेशन कर सकते हो, कॉलेज लेवल पे जो भी कोटा एडमिशन रहेंगे वो भी सारे प्रोसेस हो सकते हैं 30 तारीख से लेके 3 तारीख तक। सो 31st अगस्त से लेके 3rd of September तक। सो इन सारी चीजों में आपको चेक करना है दैट हु आर अलोकेटेड फॉर हु हैव बीन अलोकेटेड टू द फर्स्ट प्रेफरेंसेस। जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने कॉलेज में डाला था, वहां कॉलेज के लिए जो ऑप्शन फॉर्म भरे हैं आपने पार्ट टू के लिए, तो ऑप्शन फॉर्म में जो पहला कॉलेज आपने डाला हुआ है, इट इज कंपल्सरी टू टेक एडमिशन इन दैट एलोकेटेड जूनियर कॉलेज, वो जूनियर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना कंपल्सरी है। इफ सच स्टूडेंट्स फेल टू टेक एडमिशन देन दे विल बी ब्लॉक्ड फॉर फर्दर रेगुलर राउंड्स एंड विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग स्पेशल राउंड ओनली। आपने पार्ट टू रजिस्ट्रेशन में पहला जो कॉलेज का नाम डाला हुआ है, अगर वही कॉलेज आपको अलोकेट होता है और आपने वहां एडमिशन नहीं लिया तो आप बाकी के राउंड्स के लिए इलिजिबल नहीं रहेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड इफ यू स्टिल इफ अ स्टूडेंट विश टू कैंसिल हिज और हर एडमिशन कंफर्म इन द रेगुलर राउंड कैन रिक्वेस्ट फॉर द कंसर्न जूनियर कॉलेज एंड कैन गेट इट कैंसल। आप लोगों को पता होगा कि ये सारी प्रोसीजर अभी ऑनलाइन हो गई है, तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट टू दैट पर्टिकुलर जूनियर कॉलेज और एडमिशन कैंसिलेशन के लिए भी बोल सकते हो। लेकिन आपको ये चीज स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना है दैट यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड, ओनली आप स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। सर स्टूडेंट्स हु हैव कैंसल्ड देयर एडमिशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर फर्दर रेगुलर राउंड, जैसे मैंने अभी बताया कि आप बाकी के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, यू विल बी ओनली कंसिडर्ड फॉर स्पेशल राउंड। सो आप जब भी पार्ट टू ऑप्शन फॉर्म फिल करने वाले हो तब आपको केरी केयरफुली आपको कॉलेज के ऑप्शन डालने हैं, प्रेफरेंसेस सेट करना है। 10 अगर ऑप्शन रहते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 10 के 10 डालो, आप 3 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस कितने भी डाल सकते हो। आपका कुछ है कि नहीं एक ही कॉलेज के लिए ऑप्शन चाहिए है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन ऑल दिस कम्स टू द आपका जो कट ऑफ लिस्ट लगेगा उस हिसाब से ही आपको वो एलोकेशंस होते जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को एडमिशन प्रोसीजर का आगे का एक अपडेट मिला है। पार्ट टू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगी टिल दैट टाइम। इन केस अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है सो यू कैन कमेंट इनटू कमेंट बॉक्स फॉर दिस नोटिफिकेशन, एंड द सेम नोटिफिकेशन इज अवेलेबल इनटू मराठी ऑल्सो। ये सेम नोटिफिकेशन मराठी में अवेलेबल है, ये मैं आपके लिए यहाँ डिस्प्ले कर रही हूँ, सारी चीजें सेम रहेगी। सिर्फ आप लोगों को कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट इनटू कमेंट बॉक्स, एंड बाकी अपडेट्स तो मैं आपको सेम चैनल पे देती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।